सभी किसान भाइयों का स्वागत है प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज कुछ लग रहा है ऐसा कि बारिश का मौसम कुछ बन रहा है। तो अगर ऐसे ही मौसम 2-3 दिन बना तो मुझे लग रहा है कि जो मई में बडिंग आती है वो शायद अप्रैल में ही आ जाएगी। तो मेरे यूपी के इस बेल्ट में हैं, अगर वो फार्मिंग किए हैं तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो हल्का आज जैसे उमस और बादल जैसा मौसम है, लग रहा है ऐसे बारिश टाइप का होगा। अगर बारिश हो गई उसके बाद 2 दिन भी अगर मौसम सही बना, मतलब बारिश हुई, ह्यूमिडिटी का मौसम बना और उसके बाद 2 दिन तक और कुछ बादल बने, तो पक्का है इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, बडिंग। तो बहुत अच्छा है। तो वीडियो का जो आज हमारी टॉपिक है दोस्तों, हम आज आपको मीबाओ जो ड्रैगन फ्रूट है, मीबाओ जो है बहुत ही ताइवान के स्पेशल वैरायटी है ड्रैगन फ्रूट का, मैं कहूँ तो किंग है। जो अभी तक मुझे वहाँ का जो फीडबैक है, जो चीज़ें वहाँ के पता है थोड़ी बहुत, तो वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो है मीबाओ, शायद वहाँ पे जो है 1.5 किलो का तक फ्रूट आता है। जो इनका रिकॉर्ड है वो 1 किलो 600 ग्राम तक का फ्रूट है। और सबसे इसमें जो अच्छी बात है, खासियत है ये है कि इसका टेस्ट जो होता है मिल्क जैसा होता है, हल्का मिल्क जैसा होता है। और इसमें ब्रिक्स लेवल भी अच्छा होता है फ्रूट का साइज, और इसका जो शेप होता है फ्रूट का, जो डिज़ाइन होता है पैटर्न, और इसका जो पंखड़ी होती है ऊपर इसके फ्रूट के ऊपर, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और बहुत ही कमाल का, मतलब मैं कहूँ तो मेरा फेवरेट सबसे अच्छा ये है ड्रैगन फ्रूट में मीबाओ। और इस बार उसका जो प्लांटेशन हुआ है उसी के अपडेट की वीडियो है आज की, मीबाओ की जो है मैं कैसी ग्रोथ है हमारे यहाँ वो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने उसमें मतलब टोटल 4 हमने वो प्लांट किए हैं, तो जिसमें से एक में बहुत अच्छी नया सूट्स आ गया, ब्रांच आ गई, बहुत अच्छा चल रहा है। 3 में अभी आना सूट्स बाकी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा उसको कि क्या उसके अंदर चल रहा है। और मीबाओ का है, मैं आपको इसमें स्क्रीन पे उसका ये भी लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कि कैसा फ्रूट होता है, और बहुत ही लाजवाब फ्रूट होता है। और अपने यहाँ देखते हैं अपने यहाँ के मौसम में और जो है वातावरण में क्या उतना बड़ा साइज यहाँ होता है। अगर उतना भी नहीं हुआ, 1 किलो का तो होगा ही। दूसरा चीज़, जो टेस्ट इसका है वो मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है। इसका टेस्ट ड्रैगन फ्रूट में सबसे हटके है, पूरे ड्रैगन फ्रूट में सबसे हटके मीबाओ का ड्रैगन फ्रूट में है। और इसका जो वो है फ्रूट, वो भी एकदम बॉल जैसा गोला होता है, और उसके जो विंग्स है, इन सब का जो एलिस रेड वगैरह सी वैरायटी है, ये सब का आगे की तरफ होता है, उसका बैक कर्ली टाइप का घूमा रहता है, हल्का सा घूमा रहता है पर सीधा रहता है बहुत, और दूर दूर पे होता है, आप देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगा आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो उसी के बारे में आज का अपडेट है वीडियो का। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, और वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे हम जो भी वीडियो बनाते हैं ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड आप तक वो पहुंच सके और आपके कुछ काम आए। किसी का कोई सवाल है या किसी को प्लांट भी किसी को कुछ चाहिए, या तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर भी रहेगा मोबाइल में ये अपने वीडियो पे। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको हम मीबाओ का अपडेट। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मीबाओ का जो मैं प्लांटेशन किया था, तो ये डायरेक्ट मिट्टी में मैंने किया था। ये डायरेक्ट जो मिट्टी में है वो चल पड़ा है, बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा इसमें नया जो ब्रांच है वो आ चुका है, और इसका पत्ता भी एकदम बढ़िया चल रहा है, शूट्स इसका हेल्दी है एकदम बढ़िया, और ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो ये हमने 4 जगह पोल लगाया है, 4 जगह, तो उसमें 3 जगह में अभी ब्रांच नहीं आई है, वो 3 जगह मैं ग्राफ्टिंग किया हूँ। और ये डायरेक्ट लगा हुआ था ये ज़मीन पे, ऐसे प्लांटेशन स्टिक प्लांटेशन हुआ था, तो इसमें अभी नया ब्रांच आ गया है, आप देख सकते हैं। ये है मीबाओ का, बहुत ही इसका मेरा सबसे फेवरेट ड्रैगन फ्रूट में सबसे फेवरेट यही अभी तक बना हुआ है, आगे का देखेंगे, पर अभी जो है मेरा फेवरेट है। एक जो अभी मैं इसके लिए अपने पुराने प्लांट का, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये जो बड़ा सा, इसको हटा के मैं, क्योंकि इसी में मैंने LD5 का भी किया है, पर इसको हटा के मैं दूसरे पोस्ट पे करूँगा। तो ये मेरा सबसे फेवरेट है, और मैं उन दोनों को दिखाता हूँ उनका क्या हाल है। देखिए, एक यहाँ पे मैंने किया है, ये देखिए, ये मेरा यहाँ का जो मेरा वैरायटी है,
नीचे का वो है, और आप ये देख सकते हैं ये सेट हो गया है। अच्छा अभी तक अच्छा है, बढ़िया है, सेट है एकदम। और उसके बाद इसमें देखते हैं नया सूट्स कब आता है, जल्दी ही आएगा क्योंकि अब इस टाइम ब्रांचेस नई नई निकल रही हैं। तो ये एक ये है और दो और हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए दो यहाँ पे हैं, हल्का ब्लर हो जा रहा है बार बार कैमरा। देखिए दो यहाँ पे हैं, ये भी मिबाओ का है। ये देखिए ये भी इतना अच्छा सेट हो गया है। ये मेरे यहाँ का जो लोकल प्लांट है वो है, और इसके ऊपर ये मिबाओ का है। और यहाँ भी देखिए ये मेरा लोकल है नीचे वाला मदर प्लांट, और ये इसके ऊपर मिबाओ का है। इसमें भी बहुत मेरे हिसाब से जल्दी ही बस इसमें भी नया सूट्स आने वाला है, क्योंकि ये एकदम हेल्दी है, बहुत अच्छा है। हो सकता है दो तीन दिन चार दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे और इसमें नया ब्रांच आ जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इसी का अपडेट देना था। कल की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे LD5 का क्या ग्रोथ है चल रहा, और कैसा चल रहा है LD5 का, और उसकी क्या पहचान है, उसकी कैसे पत्ते हैं, वो खास है थोड़ा सा उसका पैटर्न जो है पौधे का। तो कल की वीडियो में आपको दिखेगा LD5 का। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो अपडेट मिल रही है आपको वो अब तक पहुंच सके। अभी से वीडियो देखे रहेंगे तो आपको जो ओरिजिनल प्लांट कहीं से भी मंगाएंगे चाहे जहां से मंगाएंगे तो कुछ आइडिया रहेगा आपको कि कैसा होता है कैसे नहीं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।